हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी के चैनल में। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची है, और आज के दिन हम लाइव अपडेट देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लाइव जो केसेस हो रहे हैं, कितनी जो करंट सिचुएशन है 4 अप्रैल के शाम तक के लगभग आज की करंट सिचुएशन है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं 4 अप्रैल के एंड तक, इवनिंग तक, टोटल दुनिया में भी कम से कम 11,72,692 केसेस हो रखे हैं टोटल। अभी ये करंट सिचुएशन है पूरी दुनिया की, जैसा है कि ये अभी लेटेस्ट अपडेट है 4 अप्रैल का। और आज वाकई में बहुत ही दुखद घटना है, काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रखे हैं US और टॉप जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और नंबर ऑफ डेथ केसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। टोटल अब तक 62,000 डेथ हो चुकी है, और टोटल रिकवर अभी तक 2,42,100 लोग रिकवर हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेथ परसेंटेज काफ़ी है, और जो ग्राफ देख रहे हैं आप, टोटल जो केसेस हैं उनका ग्राफ बिल्कुल कुछ ही हफ्तों के बाद पूरे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है सारों की, इन केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस में और साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डेथ में। अब हम टोटल स्टैटिक्स देखते हैं इसके वजह से, जो अभी लेटेस्ट है टोटल US में 3 लाख जो केसेस है वो क्रॉस कर चुके हैं। आज ही के दिन सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं US में, दैट इज़ 23,000 केसेस अभी हुए हैं, और टोटल डेथ जो US में हो रखी है 8,000 टोटल डेथ हो रखी है। और आज के दिन लगभग 741 लोगों की डेथ हुई है US में। सेम हाल स्पेन का है, 1 लाख से ऊपर की इनकी टोटल केसेस हैं, 5,000 प्लस डेथ हो चुकी हैं, और आज ही के दिन 546 डेथ हो रखी हैं। इटली का हाल, जैसा कि अभी पूरे यूरोप जोन में इटली बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो रखा था, हालांकि अभी स्पेन ने इटली को क्रॉस कर दिया है टोटल नंबर ऑफ़ केसेस में और प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस में। तो ये अभी न्यू केसेस इटली में 4,000 आज के दिन में न्यू केसेस हैं, और 681 डेथ केसेस हैं। सेम हाल जर्मनी का है, 92,000 जो कि 1 लाख की तरफ जा रहा है। आज के दिन आप जितने भी कंट्रीज को देखेंगे सब में बहुत ही हैवी हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा न्यू केसेस हैं। 55 डेथ जर्मनी में हो रखी है, फ्रांस में 82,165 टोटल केसेस हैं, और टोटल दैन 6,500 हो रखी है। जो चाइना, जहाँ से पूरा वायरस वुहान से जो वायरस हुआ था, वो अब छठे पोजीशन में आ गया है, सेवन्थ पोजीशन में आ गया है। यहाँ पे 81, यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी 19 नए केसेस चाइना में पाए गए, और टोटल डेथ जो चाइना की है वो है 3,326 और 4 केसेस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे देखिए US में अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा है, जो क्रिटिकल केस हैं 6,000 क्रिटिकल केस। सेम स्पेन में भी 6,400 क्रिटिकल केस हो रखे हैं, इटली में भी 3,994 क्रिटिकल केस, जर्मनी का भी यही हाल है, फ्रांस में 6,000 क्रिटिकल केस हैं, जो वाकई दुनिया में सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब होने वाली है आने वाले कुछ वीकों में, जिस तरह से ये बढ़ रहा है। US, स्पेन, जितनी भी टॉप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ का ये हाल है। ईरान में आप यहाँ पे देखिए, ईरान में 50,000 केस। UK में आज बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, 708 लगभग डेथ हो चुकी हैं अभी, और 42,000 के आसपास केस हैं, 3,000 नए केस यहाँ पे पाए गए हैं। आप अगर आप इसमें देखिए, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड, जितने भी यहाँ पे भी रैपिडली आज के दिन काफ़ी केस बढ़े हुए हैं। जो कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे इतने डेथ्स नहीं थी, अब यहाँ पे 140 बेल्जियम में डेथ, 18,000 केसेस और 1600 न्यू केसेस। नैदरलैंड में सेम 164 सारी डेथ और सारे केसेस। पुर्तगाल, कैनेडा में भी 12,956 केसेस, 581 केसेस आज के दिन और 6 नई डेथ। सेम ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ब्राज़ील। अगर हम देखें इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, उससे पहले अगर आप देखें जो टॉप की और अलग कंट्री हैं, तो इंडिया के टाइम में आज के टाइम में जो टोटल केसेस हैं वो 3,082 केसेस है, 23 न्यू केसेस आए हैं, और टोटल डेथ अभी तक 86,000 हो रखी है इंडिया में। हालांकि इंडिया ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रखा था अभी तक, लेकिन जब से अभी ये निज़ामुद्दीन वाला केस हुआ है तब से काफ़ी केसेस बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा जताई जा रही है। इवन दो पाकिस्तान भी अभी 818 केस है पाकिस्तान में, 132 टोटल न्यू केस हैं अभी आज के दिन में, और 41 डेथ हो चुकी है और 1 की न्यू डेथ हुई है। तो ये पूरा हाल है अभी ग्लोबल, पूरी दुनिया का पूरी तरह से बहुत ही बुरी तरह अफेक्टेड है, सारी दुनिया की जितनी भी कंट्री है, US, स्पेन, चाइना। अब ये देखिए, एक तरह से आप देखिए चाइना टॉप पे था और टॉप से बहुत ही नीचे 7वें उस पर आ गया, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो टॉप पे आ गई हैं। और अभी भी जैसे ट्रंप ने कहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कल लगभग 2 लाख लोग मर सकते हैं, 2 मिलियन लोग इस पे अफेक्ट हो सकते हैं कोरोना वायरस से। तो ये बहुत ही वाकई चिंता वाली बातें हैं। तो ये सारा आज का लाइव अपडेट था, जिसके वजह से जो भी अभी करंट चल रहा है, जैसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम और करंट अपडेट्स आपको लाइव देते रहेंगे जितने भी हैं।
और अगर आप चाहते हैं इसका लाइव अपडेट तो आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं वर्ल्डोमीटर के, उससे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी करंट क्या केसेस चल रहे हैं। तो आज का दिन वाकई 4 अप्रैल में काफ़ी है और इंडिया के लिए भी ये बहुत ही टेंस सिचुएशन है आने वाले एक दो हफ्ते, और देखिए क्या होता है। और इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है, जैसे कि कुछ इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी 1% ऑलमोस्ट डाउन जा सकती है, और वाकई में बहुत ही इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा पूरे ग्लोबल बिजनेस पे। जितने भी एयरलाइंस, होटल टूरिज्म्स और ये बिजनेस, तो ये आने वाले काफ़ी समय तक इन पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जो ग्लोबल इकोनॉमी और सारी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या सेक्टर है जहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप देखें तो काफ़ी लोग, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो यूएस में ही हैं, जितने भी डेवलप्स कंट्री हैं जहाँ पे भी वहाँ पे, और जितने भी ओवर वर्ल्ड, काफ़ी जॉब जा सकती है इसके वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस जो बंद हो रहे हैं। और लगभग यूएन का ये है, न्यूयॉर्क लेबर डिपार्टमेंट ये कहता है कि लगभग काफ़ी सारे जो हैं इसमें काफ़ी सारा अभी जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से काफ़ी बढ़ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फेड एस्टिमेट कर रहा है कि 32% बढ़ सकता है, तो ये काफ़ी चिंताजनक वाली बात है। ऊपर से ऑयल, रशिया, सऊदी अरेबिया और का जो ऑयल प्राइस वॉर चल रहा है, ऑयल प्राइस को लेके, उसके वजह से भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ और स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। तो होप काफ़ी कुछ सही हो, एंड आप जो भी हैं अपना ख्याल रखिए, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए, अपना टेक केयर रखिए और स्टे सेफ, स्टे इन होम। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारी नई वीडियोस के लिए अप टू डेट रहिए। थैंक यू।